हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन कोल्ड के बारे में, देन रिंग वर्म के बारे में और डेंगू डिजीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में। तो अगर हम कॉमन कोल्ड ये जो इन्फेक्शन देखते हैं, तो ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरसेस के कारण होता है, और ये बेसिकली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। अगर आपको याद होगा, जब हमने रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। दैट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा नोज, नेजल चेंबर और फैरिंग्स आता था। ठीक है, नेजल चेंबर और फैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद का जो रीजन है, दैट इज ट्रकिया, फिर उसके बाद में ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और टर्मिनल ब्रोंकियोल, अल्वियोला, ये सब इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज हमारा नेजल चेंबर और हमारा फैरिंग्स, तो इन रीजन में अगर इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम बेसिकली कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं, और ये वायरसेस के कारण होता है जनरली। तो अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा थ्योरी पार्ट है, इसमें कॉमन कोल्ड के बारे में हम डिस्कस जब करते हैं, तो कॉमन कोल्ड हम बोलते हैं कि इट इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी रीजन का ये इन्फेक्शन होता है। इट इज नोन एज नेजोफैरिंगिटिस बोला जाता है इसको। देखो, जब भी किसी वर्ड में इट इज ये वर्ड ज्वाइन हो जाता है, दैट इज आईटीज। ठीक है, नेजोफैरिंगाइटिस। ठीक है, तो ये जो वर्ड आईटीज यहाँ पे ऐड हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है नेजल चेंबर का और फैरिंग्स का, यानी नेजोफैरिंग्स का। जब इन्फ्लेमेशन यहाँ पे ऑकर होता है, तो ऐसे कंडीशन में इसको नेजोफैरिंगाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। एक्यूट ये वर्ड से भी हम एक मतलब निकाल सकते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, हालांकि एक हफ्ता, दो हफ्ता, चार हफ्ते से ज्यादा ये नहीं रहते, मतलब ऐसे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहते। तो ऐसे इन्फेक्शन जो बहुत जल्दी होते हैं, एक डेढ़ दो हफ्ते, एक महीने में ठीक हो जाते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को एक्यूट इन्फेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके अलावा इसको नेजोफैरिंगाइटिस बोला जाता है। ठीक है, और ये इसको राइनोफैरिंगाइटिस भी बोला जाता है, दैट इज एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है ये। और ये जनरली हम देखते हैं कोराइजा जगह, एक्यूट कोराइजा भी इसको बोलते हैं, या कोल्ड भी बोलते हैं। तो इतने नाम से इसको डिनोट किया जाता है, या तो नेजोफैरिंगाइटिस, ठीक है, या तो एक्यूट वायरल राइनोफैरिंगाइटिस, या इसके अलावा एक्यूट कोराइजा, और साथ में कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये वायरसेस के वजह से होता है, जिनमें आते हैं कोरोना वायरस एंड राइनो वायरस। ठीक है, आपने सही सुना, कोरोना वायरस इसमें इंक्लूडेड है। कोरोना वायरस की एक पूरी फैमिली है, जो कि 1986 से हमको पता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो अभी वायरस आया है, कोरोना वायरस, जो कि जिसको हम COVID-19 के नाम से जानते हैं, ये वायरस इसका म्यूटेटेड फॉर्म है, मतलब इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो अभी के कंडीशन में डेडली डिजीज कॉज कर रहा है, और एक पूरा पैंडेमिक उसने कॉज कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली राइनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस की ये जो फैमिली है, इनके वजह से हमको यहाँ पे ये जो है कॉमन कोल्ड देखने मिलता है। सादा सर्दी खांसी इनके वजह से होता है, बट कोरोना वायरस क्योंकि ये म्यूटेटेड फॉर्म है, ये हमारी बॉडी के लिए फुल्ली न्यू है, तो ऐसे में इसके लिए एंटीबॉडी बॉडी नहीं बना पाती है जल्दी, और ऐसे में ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा कफ सिक्रीट होता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड हमने क्या क्या समझा। कॉमन कोल्ड हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, इसी को नेजोफैरिंगाइटिस, राइनोफैरिंगाइटिस, एक्यूट कोराइजा या कॉमन कोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये कोरोना वायरसेस या राइनो वायरसेस से हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है देखते हैं हम। साइंस और सिम्टम्स में हम देखते हैं कि कफिंग, खांसी आना, सोर थ्रोट होना, यानी हमारे गले में हम देखते हैं कि गले में जम जाता है, सोर थ्रोट हो जाती है, आवाज नहीं निकल पाती है प्रॉपरली। ठीक है, रनिंग नोज यानी नाक बहना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, फीवर भी आता है, थोड़ा बहुत बुखार भी हमको देखने को मिल सकता है। नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाना। ठीक है, इसके अलावा कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखों में हम देखते हैं रेडनेस आती है। ठीक है, स्नीजिंग होती है यानी छींके आती है। मसल रैशेस हो जाते हैं बॉडी पे, लाल मसल रैशेस हो जाते हैं। फैटीग यानी थकान होती है। हेडेक हो सकता है, और साथ ही में शिवरिंग होती है, ठंड लगती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगना बंद हो जाती है। ठीक है, अब अगर इस डिजीज को यानी कॉमन कोल्ड को अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो क्या करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको कॉमन कोल्ड है, उनसे हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये डिजीज जो है वो फैलता है बात करने से, बहुत पास में रहने से, बात करने से, हक करने से, मिलने से। ठीक है, ये फैलता है। तो ऐसे में स्टेइंग अवे फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, ऐसे पर्सन जो कि जिनको कॉमन कोल्ड है, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। कोरोना वायरसेस के लिए जो भी हम आजकल प्रिकॉशन फॉलो करते हैं, 6 फीट की दूरी बनाए रखते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक है, सैनिटाइजर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एज अ प्रिकॉशन हम यूज कर सकते हैं। वॉशिंग हैंड्स डेली विथ सोप और वॉटर। ठीक है, यूजिंग ऑफ हैंकरचिप
टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग. तो कफिंग और स्नीजिंग, जब तुमको खांसी आती है, छींक आती है, तो हैंकरचिप यानी रूमाल का यूज करना चाहिए, साथ ही में मास्क का यूज करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट स्टिल आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो हम ले सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू टेल Why do we suffer from the common cold repetitively in our life, but other viral diseases like influenza, smallpox only once? तो common cold क्या होता है कि जो हम हमारी बॉडी में ये जो वायरसेस है ये जब भी आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ब्लॉक कर देते हैं इजिली, हमारा बॉडी उसको ट्रैप करता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है. यहाँ पे इसमें इन्फ्लेमेशन होता है. लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स के वायरस है ये ब्लड में एंटर करते हैं जिसके वजह से हमारी बॉडी तुरंत एंटीबॉडी बना के इसको खत्म कर देती है. ठीक है, बात करते हैं रिंग वर्म के बारे में. तो रिंग वर्म जिसको हम जिसको यहाँ पे डर्मेटोफाइटोसिस भी बोला गया है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, बहुत कॉमनली इसको फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है. तो बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का. ठीक है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दांत खाज खुजली जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसी को यहाँ पे रिंग वर्म बोला गया है. इट इज कॉज ड्यू टू मेनी फंगल स्पीशीज जैसे कि यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम. तो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम आपको याद रखना है नीट और एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंगल इन्फेक्शन कौन से वो फंजाई है जिनके वजह से रिंग वर्म या फंगल इन्फेक्शन होता है. तो दैट इज ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फंजाई हमारी स्किन पे जो जमा हुआ केराटीन प्रोटीन होता है उसको कंज्यूम करते हैं. तो जो लोग 10-10 दिन नहाते नहीं है या बहुत कम नहाते हैं, जो कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, उनके बॉडी में पसीना सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सिक्रीट होता है. ठीक है, पसीना होने के कारण, वार्मनेस होने के कारण बॉडी गर्म होती है, पसीना भी होता है, तो फंजाई को ग्रो करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है और फंजाई केराटीन को कंज्यूम करती है जो तुम्हारे स्किन पे जमा हुआ होता है. तो बेसिकली ड्राई स्किन पे जो भी केराटीन जमा होता है, हेयर पे जो केराटीन होता है, नेल पे जो केराटीन होता है, इसको ये फंजाई जो है वो कंज्यूम करती है एज अ फूड, बिकॉज तुम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हो ग्रो करने के लिए बाय नॉट बेदिंग फॉर टू लॉन्ग. बहुत लंबे समय तक आप नहाते नहीं, आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते, जिसके वजह से फंजाई को ग्रो होने के लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर मिल जाता है. तो ज़्यादातर हम देखते हैं फंगल इन्फेक्शन बॉयज को होता है, क्योंकि ज़्यादातर बॉयज जो है वो नहाते नहीं है, 10-10 दिन 5-5 दिन में देखता हूँ कि नहाते नहीं है, जिसके वजह से ये जो है ये डिजीजेस फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर बॉयज में देखने मिलते हैं. और ऐसे पर्सन जिनमें पसीना बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तरीके के लोगों में बहुत ज्यादा पसीना सिक्रीट होता है देन द अदर टाइप ऑफ पीपल. ठीक है, तो ऐसे लोग जिनमें बहुत ज्यादा पसीना सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेट फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे लोगों को तो रेगुलरली खुद को क्लीन करना चाहिए, खुद रेगुलरली नहाना चाहिए, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत हाई होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या साइंस और क्या सिम्टम्स है, क्या क्या हमको यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस डिजीज के. तो सबसे पहले इन्फेक्टेड स्किन शोज एनलार्ज रेड रिंग कॉज्ड ड्यू टू द रिंग वर्म. तो हमको पता है जो दांत खाज खुजली की एडवर्टाइज आती है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी सी रेड रिंग फॉर्म हो जाती है. ठीक है, दूसरी ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट पे बहुत ड्राई लीजन्स यानी जख्म फॉर्म हो जाते हैं, ड्राई ड्राई जख्म हमको देखने को मिलते हैं. ठीक है, और इसमें इंटेंस ईचिंग होती है यानी वो खुजाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शन टू नेल्स एंड इज टर्म्ड एज ऑन्कोमाइकोसिस. ठीक है, अगर हमारे इन्फेक्शन को नेल्स में इन्फेक्शन होता है, अगर हमारे नेल्स में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा नेल का जो कलर होता है वो डिसकलर्ड हो जाता है और शेप चेंज होने लगता है. बहुत सारे आप एजड लोग देखो तो उनके बॉडी में जो नेल्स हम देखते हैं, पैर के नेल्स या हाथ के नेल्स, उनमें कालापन आ जाता है, डिसकलर्ड हो जाते हैं और उसका शेप भी आड़ा टेढ़ा होने लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑन्कोमाइकोसिस, जो कि नेल्स में फंगल का इन्फेक्शन होता है. ठीक है, एथलीट्स फूट हम बोलते हैं एथलीट फूट, ये जो एक अगेन फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जो कि जनरली टोज के बीच में होता है, पैर के, जो हमारी पैर की उंगलियां होती है इन उंगलियों के बीच में स्किन छिल जाती है, जिसको ज्यादा पानी में काम करने के कारण ये होता है. जो लोग ज्यादा पानी में काम करते हैं उनके ये जो पैरों के बीच की उंगलियां छिल जाती है, उनमें से खून भी निकलता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, दैट इज एथलीट फूट. हमारे मराठी लैंग्वेज में इसको चिखल्या बोला जाता है, चिखल्या. बाकी हिंदी वगैरह में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट एथलीट फूट इसको बोलते हैं जहां पे पानी में ज्यादा काम करने के कारण पैर की उंगलियों के बीच का जो मांस होता है वो छिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि इससे क्या क्या ट्रांसमिशन, कैसे कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो रिंग वर्म इज स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स. तो अगर हम अपने कपड़े किसी के साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली कपड़ों में पसीना लगा हुआ होता है, फंगल फंजाई लगे हुए होते हैं, तो ये कपड़े अगर किसी के साथ शेयर करते हैं तो उससे वो फैल सकता है. ठीक है, कॉम्ब
ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन की कंघी यूज करता है तो उससे भी ये फैलता है। इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तुम गले मिल रहे हो, रेगुलरली बात कर रहे हो, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट रख रहे हो, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, ये अनदर मोड है इन्फेक्शन का। इसके अलावा हम बात करते हैं डायग्नोसिस कैसे किया जाए इसका। डायग्नोसिस क्या करेंगे भाई, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डॉक्टर जो है वो फिजिकली देख लेगा कि उसको कहाँ कहाँ पे दांत खाज खुजली है। तो डायग्नोसिस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। और ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, कुछ ड्रग्स कुछ दवाइयाँ यूज होती है, जैसे कि नायास्टैटिन एक दवाई है, इसके अलावा फ्यूकोनाजोल है, इसके अलावा इरेकेनाजोल है, ठीक है, इट्रेकेनाजोल। तो ये सारी जो दवाइयां है, ये जो ड्रग्स है, इनको यूज किया जाता है, इन क्रीम्स को यूज किया जाता है, एंटी फंगल की क्रीम्स, इनको आपको याद रखना है। ये जो है इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, एमएसटी सीटी में, इवन बोर्ड पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंजाई के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में। इसके अगले पेज में इसका डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है, इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। तो ये एक पर्सन का रिस्ट है, रिस्ट यानी हैंड वाला एरिया, यहाँ पे इसको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो यही इन्फेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एनलार्ज जूम करके दिखाया गया है, और ये कुछ फंजाई का स्ट्रक्चर है जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल्स क्या क्या है, अगर हमें फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो क्या क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्लोज शेयरिंग को अवॉइड करना चाहिए, दोस्तों को अपने कपड़े नहीं देने चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। बहुत घरों में क्या होता है कि एक ही योगा मैट सारे लोग यूज़ करते हैं, योगा मैट में सोना होता है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो वही योगा मैट या जिम इक्विपमेंट अगर सारे लोग यूज करते सिंगल, तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इन हॉट वाटर, हमको रेगुलरली अपने क्लोथ्स को हॉट वाटर में, गर्म पानी में वॉश करना चाहिए। फंगिसाइडल सोप्स यूज करनी चाहिए टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। ठीक है, तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि प्रिवेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंगू के बारे में, कि डेंगू एक फीवर है जो कि बेसिकली हम देखते हैं अगेन वायरसेस के कारण होता है। तो इसमें कौन कौन से वायरसेस है, डेंगू रिलेटेड कुछ चार वायरसेस है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, फोर क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरसेस होते हैं जो कि डेंगू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और डेंगू जो है वो ट्रांसफर होता है वेक्टर के थ्रू, यानी मॉस्क्यूटो के थ्रू। और मॉस्क्यूटो यहाँ पे हम देखते हैं एडीज मॉस्क्यूटो होता है, एडीज फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो जो है वो डेंगू जो है वो ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मेरे को डेंगू है, मेरे को एडीज फीमेल मॉस्क्यूटो ने काटा, तो ऐसे में वो वायरस उसके बॉडी में भी चले गया। अब ये एडीज मॉस्क्यूटो आके आपको काटेगा, तो आपके बॉडी में भी ये वायरस चले जाएगा, यानी मेरे बॉडी से डेंगू वायरस आपके बॉडी में ट्रांसफर करता है कौन, एडीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। मेल क्यों नहीं करता, हमने देखा है, क्योंकि फीमेल के बॉडी में ओवरीज होती है, जहां पे उसको एग डेवलप करने है, उसके लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऐसे में फीमेल ब्लड सक करती है और मेल जो है ब्लड सक नहीं करता, मेल मॉस्क्यूटो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। The mosquito takes up the dengue virus when it is sucking blood from a person suffering from the dengue. तो यहाँ पे वही बोला है कि mosquito जो है वो virus को suck कर लेता है जब वो अपना meal ले रहा होता है, अपना blood suck कर रहा होता है एक infected person से। ठीक है, it cannot spread directly from one person to another. तो ये directly spread नहीं होता, ये mosquito के through ही हमेशा spread होगा। ठीक है, इसके बाद एक can you tell वाला section है, जिसमें आपको पूछा है कि which of the diseases that can be avoided by eradication of mosquito in your area. अगर तो आपके area से कुछ डिजीजेस हटाने हैं, ठीक है, जो मॉस्क्यूटो के कारण फैल रहे हैं, तो कौन से डिजीजेस हटेंगे, अगर मॉस्क्यूटो के कंट्रोल करते हो, मॉस्क्यूटो की ग्रोथ को अगर आप कंट्रोल करते हो, तो कौन से मॉस्क्यूटो से फैलने वाले डिजीजेस आपके एरिया में नहीं फैलेंगे। तो पहला हम बोलेंगे भाई मलेरिया, दूसरा हम बोलेंगे डेंगू, ठीक है, तीसरा हम बोलेंगे फिलारियासिस। फिलारियासिस ये जो डिजीज है ये भी मॉस्क्यूटो से फैलता है, कौन सी मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स। ठीक है, तो मलेरिया, फिलारियासिस, डेंगू और एक डिजीज होता है चिकनगुनिया। तो ये चार डिजीजेस है जो कि मॉस्क्यूटो से फैलने वाले होते हैं, और अगर मॉस्क्यूटो का इरेडिकेशन हम कर लेते हैं तो ये डिजीजेस नहीं फैलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच मॉस्क्यूटो कैन बी इरेडिकेटेड फ्रॉम योर एरिया, क्या अलग अलग तरीके हैं। तो जो जमा हुआ पानी है उसको हम ड्रेन ऑफ कर देंगे, जो भी वाटर रेस्टिंग होल्ड स्टेज में है उसको हम ड्रेन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीके से मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूज से हम मॉस्क्यूटो का ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। गप्पी फिश को यूज कर सकते हैं हम, जो झीलें होती है जहां पे जमा पानी है बड़ा सा, वहां पे गप्पी फिशेस को हम यूज कर सकते हैं, ताकि वो मॉस्क्यूटो के अंडे जो है वो खा जाएगी। ठीक है, इसके अलावा व्हाट इज द प्रिकॉशन विल यू टेक इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ एरिया विच हैज अ लॉट ऑफ मॉस्क्यूटो। तो अगर आप एक एरिया में जा रहे हो वहां पे बहुत सारे मच्छर होने वाले हैं, तो आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे, एक मच्छरदानी लेके जाएंगे, ठीक है,
इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे जिसको हम बोलते हैं, मॉस्क्यूलर काला हीट वगैरह जो भी होता है, मॉस्क्यूलो रिपेलेंट स्प्रे का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ओडोमॉस का यूज करेंगे, ओडोमॉस क्रीम्स होती है जो बॉडी को लगाते हैं तो मॉस्क्यूटो जो है वो दूर रहते हैं, तो ये सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं। फुल कपड़े पहनेंगे, फुल हाथों को कवर कर लेंगे, जिससे कि हाथों पैरों को फुल कवर करने से भी मॉस्क्यूटो के काटने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।